जयपुर से खबर है जहां अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आज है और इसी को लेकर गोवर्धन और गौ पूजा के बाद खुले दर्शनों के लिए पट। ठाकुर जी को लग रहा है 1001 व्यंजनों का भोग। राजस्थानी, गुजरात, उत्तर और दक्षिण भारतीय व्यंजन चढ़ाए जा रहे हैं और अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों का ठाकुर जी को भोग लग रहा है। दूध, फल, अनाज से बने हैं पारंपरिक भारतीय व्यंजन, तो वहीं चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, विदेशी व्यंजनों का भोग भी ठाकुर जी को आज चढ़ाया जा रहा है। अन्नकूट का आज कार्यक्रम रखा गया है। साथ है आजू बाजू के राजस्थानों के करीबन 35,000 लोगों के वहाँ ये संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटा जाएगा पूरे राजस्थान। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट का कार्यक्रम और उसी को लेकर तस्वीर आप देखिए। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है। अक्षरधाम मंदिर में आज अन्नकूट का कार्यक्रम रखा है जिसी को लेकर भगवान को अलग अलग तरह के अन्न के भोग अर्पित किए जा रहे हैं। तो ठाकुर जी को 1001 व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। राजस्थानी, गुजराती और उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय व्यंजन आज भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाया जा रहा है। अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों का ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो वहीं बात करें अगर दूध, फल, अनाज से बने हैं ये सभी पारंपरिक भारतीय व्यंजन और इसके अलावा चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, विदेशी व्यंजनों का भोग भी आज ठाकुर जी को चढ़ाया जा रहा है। तो अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम रखा है। गोवर्धन और गौ पूजा के बाद दर्शन के लिए पट खुले हैं। ठाकुर जी को भी अलग अलग तरह के व्यंजन भोग स्वरूप आज चढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के जो अन्न होते हैं वो ठाकुर जी को चढ़ाए जाएंगे। अलग अलग तरह के अन्न से बने हुए जो पकवान होते हैं वो ठाकुर जी को चढ़ाए जाएंगे और उसी को लेकर तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ राजस्थानी, गुजरात, उत्तर और दक्षिण भारतीय व्यंजन बल्कि इस बार ठाकुर जी को अलग अलग चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, विदेशी व्यंजन भी चढ़ाए जाएंगे। हमारे साथ आशीष चौहान लाइव जुड़ चुके हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। आशीष, आज अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा है, किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पे की जा रही है, गौ पूजा का भी आज बहुत महत्व है, वो कैसे की गई है और क्या खास व्यंजन आज ठाकुर जी को चढ़ रहे हैं? देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन हर वर्ष की भांति इस बार भी जो अक्षरधाम मंदिर है जयपुर का, स्वामी नारायण भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा तकरीबन 1100 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अब की बार भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और बहुत खूबसूरत जो दरबार है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो मंदिर को सजाया गया है। और आप बात कर रहे हैं व्यंजन की, व्यंजन गिनते गिनते आप थक जाएंगे और कितने सारे व्यंजन आपको दिखाई देंगे, न केवल भारतीय व्यंजन, राजस्थानी व्यंजन बल्कि जो विदेशी व्यंजन है उनका भी भोग यहाँ पर लगाया गया है ठाकुर जी को। और तस्वीरें देखें तो आपको हर व्यंजन यहाँ पर दिखाई देगा जो यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देखने को मिलेंगे। इसीलिए तमाम जो लोग हैं, दूर दराज से लोग इसीलिए आते हैं और जो ठाकुर जी के दर्शन के लिए यहाँ पर जो भोग है वो यहाँ पर लगाया जाता है। और गोवर्धन पर्वत भी यहाँ पर एक स्वरूप दिया गया है, यहाँ पर विशेष तरीके की झांकी जो है वो मंदिर में सजाई गई है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से लोग आते हैं और व्यंजनों का भी यहाँ पर भोग लगाते हुए दिखाई देते हैं। और तस्वीरों में देखें तो आपको हर व्यंजन यहाँ पर दिखाई देगा, पूरी सब्जी से लेकर, पेस्ट्री से लेकर, और जो तमाम तरह के व्यंजन्स हैं, तमाम तरह के जो नमकीन है, जो ब्रेड है, तमाम तरह के जो व्यंजन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। विशेष पकवान का भोग यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है।